press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Assalamualaikum, मैं हूँ मुबशिर लतीफ और आप देख रहे हैं किचन विद मुबशिर। आज हम अपने चैनल में बना रहे हैं दही चिकन कढ़ाई। ये बनाना नहायत ही आसान है। आइए अब आपको बताते हैं कि बनाना कैसे है। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। जी, चिकन दही कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दर्जा दे लें। चिकन हमने ले लिया 1 किलो और साथ हमने चाइनीज़ साल्ट ले लिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ हमने ले लिया तकरीबन 1 चम्मच, गार्निशिंग के लिए हमने ले लिया अदरक और सब्ज मिर्चों को हमने लंबा लंबा काट लिया और साथ में हमने ले लिए 2 चाय के चम्मच हमने ले लिए चिली फ्लेक्स, 1.5 चाय का चम्मच हमने ले लिया सूखा धनिया कूटा हुआ और नमक हमने ले लिया हसब जायका और साथ हमने ले लिया दही 1/2 kg दही ले लिया। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्सअप करके इनको मैरिनेट, हमने एक बड़ा बर्तन ले लेना है उसमें चिकन हमने डाल देना है, साथ में हमने योगर्ट डाल लेना है दही 1/2 kg, चिली फ्लेक्स डाल लेंगे 2 चाय के चम्मच, नमक डाल लेंगे हम हसबे जायका, सूखा हुआ धनिया हम डाल लेंगे 2 चाय के चम्मच और जीरा का पाउडर हमने बना लिया कूट के वो डाल लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल लेना है 2 चाय के चम्मच। चाइनीज साल्ट हम डाल लेंगे 1/2 चाय का चम्मच। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर मैरिनेट करके इसको 10 से 15 मिनट, ये हमने सारी चीज़ों को मिक्सअप कर लिया और अब हम इसको मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट तक इसको लग देंगे। ये हमने पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया और तकरीबन 1.5 कप हमने ऑयल डाला और इसको हम हीट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम में हमने रखना और इसके अंदर चिकन डाल देंगे जब ये हीट अप हो जाए। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह जो है वो डाल लेंगे इसी चिकन में। हम अच्छी तरह हिला लेंगे। हम 20 से 25 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे और इसको ढक देंगे और फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो रखना है और साथ साथ हमने चेक करते जाना है ताकि नीचे ना लगे। मीडियम फ्लेम पर रख के हम अब इसको दम पर लगाते हैं। जी, पतीले को हमने ढाँप दिया, दम लगा दिया और 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पर लगा के रखेंगे। जी, थोड़े थोड़े वक्त हम इसको हिलाते रहेंगे। साथ ही हम इसको दम पर दोबारा लग, ये देखिए पानी जो है चिकन ने काफ़ी छोड़ दिया और इसी पानी में चिकन हमारा गल जाएगा। ज़्यादा हमने इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब हम चूल्हा तेज कर लेंगे, फ्लेम ज़रा हाई पे रखेंगे और इसी कुकिंग ऑयल में हम चिकन को भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक के लिए हमने इसको भून लिया, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी, हमने चिकन को डिश आउट कर लिया, इसके ऊपर हमने अदरक और ग्रीन चिल्ली को काट लिया और इसको गार्निश कर लिया और इसके ऊपर डाल दिया। आप भी अपने घर में बनाएं और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको हमारी ये रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।